अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हम आए हुए हैं मार्केट। ये है जी रहीमियर खान का बाज़ार, हम रहीमियर खान में रहते हैं। आज हम आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए, थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करनी है, थोड़ा सा सामान लेना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी रहीमियर खान की मार्केट का व्यू शेयर करूँ। तो अभी हम मार्केट पहुंचे हैं तो साथ ही बिल्कुल सामने एक दुकान है शूज़ की, जहां पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे जूते नज़र आ रहे हैं और रीज़नेबल प्राइस हैं, 600 से शुरू हो रहे हैं और 1000-2000 तक यहां पर जूते मौजूद है। ये जी आम चप्पलें नज़र आ रही हैं पहनने के लिए। तो चलते हैं अंदर बाज़ार की तरफ। अभी हम रास्ते में जा रहे हैं तो कुछ इस तरह जो है ना सड़क के ऊपर ही शॉप्स बनाई हुई हैं, या डेकोरेशन पीस और सीनरियाँ वगैरह रखी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा मतलब रीज़नेबल हैं। 200-300 से जो है ना ये शुरू हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं। फबिया खनसा हमारे साथ आई हैं, साथ मेरी अम्मी और मेरी बहनें। आज जी फबिया खनसा वैसे ही घूमने के लिए आ गए हैं, ज़्यादा कुछ तो हमने लेना नहीं था, लेसेस वगैरह लेनी है और दुपट्टे वगैरह पिको करवाने हैं। तो जी ये देखिए एक और शॉप है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे कपड़े नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही आपको दिखाती जाऊंगी साथ साथ अंदर किसी शॉप पे। अभी जाना हुआ तो दिखा देंगे, वरना बाहर से ही मतलब कि आपको दिखा देते कि बाज़ार कितना अच्छा है, यहाँ पर हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी, दुनिया जहान की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, सस्ती से सस्ती भी और महंगी से महंगी भी। कपड़ों की तो इतनी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये देखे खान जापान की एक दुकान है, यहाँ पर हर तरह के गर्मियाँ सर्दियाँ शादी ब्याह हर तरह के कपड़े यहाँ पर मौजूद है। हमने काफ़ी दफ़ा यहाँ से लिए, बहुत अच्छे और ज़बरदस्त किस्म के यहाँ से कपड़े मिलते हैं। इस तरह जी नीचे जो है दुकान के सामने जो है इस तरह नीचे से वो बनाया हुआ कपड़ा रखा हुआ है, शॉप बनाई हुई है, यहाँ पर लीलन नज़र आ रही है। मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया इसलिए लेसिस, रहीमियर खान के बाज़ार में लेसिस की इतनी दुकानें इतनी दुकानें, हर तरह की नई वैरायटी यहाँ पर आराम से मिल जाएगी। अम्मी ने लेनी है लेस थोड़ी सी, तो हम यहाँ पर रुक चुके हैं थोड़ी देर। यहाँ ये सड़क है जी बाज़ार के अंदर की, और सामने आपको शूज़ की जो है ना दुकान नज़र आ रही है, आमने सामने दो दुकानें हैं। यहाँ पर हर वक्त गर्मियाँ सर्दियाँ सेल ही लगी रहती है, 600 से जूते शुरू होते हैं, 600 ही फिक्स प्राइस है इनका। और ये जी चूड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, ज्वेलरी, मेकअप, कपड़े, पर्स, शूज़, हर तरह मतलब हर तरह के कम से कम प्राइस से ज़्यादा प्राइस के जो है ना रहीमियर खान के बाज़ार में आपको आराम से मिल जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सस्ता भी है और महंगा भी है, मतलब हर तरह के लोगों के लिए ये बाज़ार है। और फबिया और खनसा को इस टाइम जी नज़र आ चुके हैं खिलौने, और अब जल्दी करें उनको लेके दें, हमने कहा वापसी पर लेके देंगे। अब चलते हैं जी लेसेस देखते जाए, अब चलते हैं पीको वाली दुकान पर। तो ये गली छोटी गलियाँ छोटी छोटी गलियों से गुजर के जाना पड़ता है। ये देखिए रास्ते में इतनी सारी शॉप्स हैं और लेसेस की तो इतनी वैरायटी है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ये दस्तरखान वगैरह, बेडशीट्स वगैरह, रज़ाइयाँ, हर तरह की दुकानें मौजूद हैं और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल हैं। लंडा बाज़ार भी इसके अंदर है, कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ती भी हैं। और ये देखिए देखते जाएँ साथ साथ हमारे चलते जाएँ आप लोग। ये देखें जी एक और शॉप है, और ये आ गई है पीको वाली दुकान, और इतने सारे मोती और बटन और ये भी सारे जो है ना पीको वाली दुकानों के पास और लेसेस वाली दुकानों में मौजूद होते हैं। जो भी आप लेना चाहें आराम से आपको मिल जाएगा हर तरह की चीज़। और ये है जी बच्चों के क्लिप्स, पोनिया और जो हेयर कैस वगैरह, इसकी भी बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, ज्वेलरी की भी बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। अब जी चलते चलते लग गई है भूख, नाश्ता मैं करके नहीं आई थी। यहाँ पर ये यूनिस के समोसे और यूनिस वाली शॉप काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, हर कोई यहाँ पर आता है, पैसे भी बिल्कुल रिजनेबल हैं, एक प्लेट जो है 120 रुपए की है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इनकी क्वालिटी, इनका मैार, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब हम चलते हैं और चल कर कुछ खाते हैं, देखते हैं कि हम क्या ऑर्डर करते हैं। ये ले जी हम पहुंच चुके हैं, और ये इस तरह के ना छोटे छोटे कैबिन्स बने हुए हैं, तकरीबन 10-12-20 कैबिन हैं, लेकिन हर वक्त फिल होते हैं हर वक्त, और बस यहाँ पर जगह मिल जाए तो आप लोगों की किस्मत अच्छी हो तो जल्दी जगह मिल जाती है, वरना इंतज़ार करना पड़ता है। फबिया खनसा ने लिया है आइसक्रीम,
मैंने और मेरी बहन और अम्मी ने लिए हैं समोसे, डबल भी है और सिंगल समोसा भी है। और इनकी जो चटनी है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार चटनी है, यहाँ की काफ़ी ज़्यादा मशहूर इनके समोसे हैं। मयार भी नंबर वन है, चटनी, क्वालिटी, सफाई, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त। ले जी घूम फिर के फिर हम आ गए शॉप पर खिलौनों वाली, और फबिया खनसा को एक एक खिलौना लेके दूंगी। जाते हुए जी रास्ते में आ गई ये दुकान और ये ब्राइडल ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। साथ में जी ग्रूम मतलब दूल्हे का भी है और दुल्हन दोनों का ड्रेस है, काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। जाते जाते ये है ज्वेलरी की शॉप नजर आ गई, काफी ज्यादा वैरायटी में ज्वेलरी पड़ी हुई है और ये देख सकते हैं साथ। अच्छा जहां पर एक दुकान है उसके साथ साथ ही फिर सारी इस तरह ना छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, बिल्कुल छोटी छोटी। जो भी दुकान एक जगह पर होगी उसके साथ फिर बहुत सारी दुकानें जो है ना साथ साथ जुड़ी हुई हैं। जो भी चीज़ आप देखना चाहें साथ वाले से ले लें, उससे साथ वाले जिससे भी लेना चाहें आपकी मर्जी है। और ये देखें जी इस तरह के भी कुछ ड्रेसेस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दिल बस करता है कि बंदा सारे ही ले ले, जो भी चीज़ देखता है बाजार जाता है बंदे का तो यही दिल करता है कि वो सब कुछ ले ले। अच्छा जी रास्ते में जाते हुए ना हमें दुपट्टे नजर आए थे कुछ, आजकल इन दुपट्टों का काफी ज्यादा मतलब के वो है ट्रेंड चला हुआ है, ये मिरर पे बने। आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी ज्वेलरी वाली दुकानें खत्म नहीं हो रही। और ये जी ये भी ड्रेसेस की कुछ दुकानें हैं और ये बच्चों के शूज हैं, 300 350 इनके प्राइस है, बहुत ज्यादा वैरायटी में पड़े हुए, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये हैं जी वो दुपट्टे जो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, ये देखिए इस तरह के। और अंदर शॉप में तो काफी ज्यादा वैरायटी है, 4000 इनके एक दुपट्टे का प्राइस है, बहुत ज्यादा अच्छे और खूबसूरत लग रहे हैं। और ये इनकी शॉप के कुछ ड्रेसेस हैं। अब हम जा रहे हैं घर वापिस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो है ना टूर व्लॉग अच्छा लगा होगा, मतलब कि विंडो शॉपिंग की। और आगे आने वाले व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।